हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेक एजुकेशन। विवेक एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड और यूपी बीएड 2021 के बारे में। दोस्तों आप लोगों ने भी यूपी बीएड का फॉर्म भरा होगा, तो जिन कैंडिडेट ने यूपी बीएड का फॉर्म भर के वेट कर रहे थे एग्जाम का, एंट्रेंस एग्जाम का वेट कर रहे थे, उनका इंतजार अब खत्म हो गया। अब जो है एंट्रेंस एग्जाम डेट आ गया है और साथ में यूपी डीएलएड फॉर्म अप्लाई करने का भी डेट आ चुका है। दोस्तों अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है यूपी डीएलएड की तरफ से, तो उस पर अभी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे यूपी बीएड 2021 एंट्रेंस एग्जाम डिटेल्स, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, काउंसलिंग कब होगा, काउंसलिंग प्रोसीजर क्या रहने वाला है, एंट्रेंस एग्जाम कब तक होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में हम लोग यूपी डीएलएड 2021 के बारे में भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जरूर पहुंचेगा, ठीक है। और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और लाइक जरूर करिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जैसा कि यूपी बीएड 2021 के बारे में हम लोग बात करें, अगर सबसे पहले तो यूपी बीएड 2021 के बारे में अगर बात करें तो जो पेपर में निकला हुआ है, जो भी ऐड आया हुआ है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यूपी बीएड में दाखिले के लिए 18 जुलाई को होगी प्रवेश परीक्षा, यानी कि आप लोगों की जो प्रवेश परीक्षा है वो 18 जुलाई को होगा, ये बोर्ड ने यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने डिक्लेयर कर दिया है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा, ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बीएड में दाखिले के लिए 18 जुलाई को संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से गुरुवार को संशोधित प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। पहले बीएड की प्रवेश परीक्षा 19 मई को आयोजित होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। 5 अगस्त को प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा, यानी कि 18 जुलाई को प्रवेश परीक्षा होगा और 5 अगस्त को इसका जो है परिणाम आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। आगे देखें तो 10 अगस्त से दाखिले के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होगी, यानी कि 10 अगस्त से आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा और 30 अगस्त से शैक्षिक सत्र की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि 30 अगस्त से सेशन आपका स्टार्ट होने वाला है और 10 अगस्त तक काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ठीक है। बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 में करीब 6.25 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। बीते साल करीब 4.25 लाख अभ्यर्थियों ने दाखिले के लिए आवेदन किया था। बीएड प्रवेश परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी लखनऊ विश्वविद्यालय को सौंपी गई है, यानी कि जो बीएड प्रवेश परीक्षा होगी, जैसे पिछले साल लखनऊ विश्वविद्यालय को सौंपी गई थी, उसी तरह अब की बार भी लखनऊ विश्वविद्यालय ही इसका देखभाल कर रहा है। यही नहीं, कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार ऐसे कॉलेज जिन्हें 31 जुलाई तक बीएड कोर्स चलाने की संबद्धता दी जाएगी वह काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे। 10 मई तक संबद्धता पाने वाले कॉलेजों को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल किया जाता था। बीएड कोर्स की 2.25 लाख सीटें हैं, यानी कि 2.25 लाख सीटें हैं और 10 अगस्त को काउंसलिंग प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और 30 अगस्त से आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा और 18 जुलाई सबसे महत्वपूर्ण डेट है, 18 जुलाई को आपका प्रवेश परीक्षा होने वाला है। तो अभी से आप तैयारी में जुट जाइए, अब सिर्फ आपको रिवीजन क्लास लेना है, रिवीजन क्लास लेना है। पढ़ाई के समय आप पढ़ाई जैसे पिछले किए थे, अब आपको सिर्फ रिवीजन क्लास लेना है, ठीक है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम लोग डीएलएड की भी बात कर ले साथ में। तो डीएलएड का अगर देखें तो जो यूपी डीएलएड जिसको हम लोग बीटीसी के नाम से भी जानते हैं, उसके भी एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं डीएलएड के लिए। तो दोस्तों यूपी डीएलएड का जो अप्लीकेशन फॉर्म है वो 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 20 जुलाई से अप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं यूपी डीएलएड यानी कि बीटीसी के लिए, वो 20 जुलाई से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन का है दोस्तों वो 10/8, ठीक है, 10/8/2021, वो भी 6 बजे, शाम 6 बजे तक आप भर सकते हैं, 10/8/2021, ठीक है, यानी कि 10 अगस्त तक आप फॉर्म लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। और फीस भरने का कब लास्ट डेट है, तो 11 अगस्त तक आपको फीस भी भर देनी है, ठीक है। और लास्ट डेट जो रिप्रिंट करने का है, फॉर्म रिप्रिंट करने का है लास्ट डेट, वो 12 अगस्त रखा गया है। और एक चीज़ और बता दें, मेरिट लिस्ट जो आपका राउंड फर्स्ट का आएगा वो 18 से 30 अगस्त के बीच में मेरिट फर्स्ट राउंड फर्स्ट का लिस्ट आ जाएगा, मेरिट लिस्ट, ठीक है, राउंड फर्स्ट का मेरिट लिस्ट 18 से 30 अगस्त 2021 तक आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट डेट जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का होगा राउंड फर्स्ट वालों के लिए, वो 6/9/2021 होगा, ठीक है, 6 सितंबर तक आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है राउंड फर्स्ट वालों के लिए, ठीक है। और ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगा, 7 सितंबर, ठीक है, 7 सितंबर से
जो है स्टार्ट हो जाएगा राउंड फर्स्ट का ट्रेनिंग, ठीक है। और मेरिट लिस्ट राउंड टू यानी कि राउंड सेकंड के लिए जो मेरिट लिस्ट आएगी वो 13 से 24 सितंबर तक आ जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की बात करें दोस्तों तो जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपया लगेंगे, ठीक है। जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपीज़ और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 300 रुपीज़ और जो फिजिकल हैंडीकैप पीएच वालों के लिए 100 रुपीज़ लगेगा, ठीक है, 100 रुपीज़। दोस्तों आइए चलते हैं आगे, आगे बात करें एज लिमिट का। तो एज लिमिट जो है मैक्सिमम एज आपका 18 वर्ष यानी कि 18 ईयर्स होना चाहिए, 18 ईयर्स और मैक्सिमम सॉरी मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स, ठीक है। यानी कि 18 से 35 साल के बीच वाले जो रहेंगे वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। और कोर्स अगर देखा जाए दोस्तों डीएलएड का है जिसको हम लोग बीटीसी कहते हैं, ये 2 साल का होता है और इसमें बैचलर डिग्री नहीं स्ट्रीम यानी कि किसी भी स्ट्रीम से आपको बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, वो भी कम से कम 50% मार्क्स उसमें होने चाहिए। 50% से कम मार्क्स रहेगा तो आप एलिजिबल नहीं है यूपी डीएलएड के लिए, ठीक है। और एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 45 मार्क्स होना चाहिए, सॉरी 45% होना चाहिए, ठीक है, मार्क्स नहीं 45% होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है। किसी भी स्ट्रीम से आप हो, चाहे साइंस से हो, चाहे एमएससी किए हो, बीएससी किए हो, बीए किए हो, कुछ भी किए हो, बस बैचलर डिग्री होना चाहिए और साथ में 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए 45% होना चाहिए। और एक चीज़ और क्लियर कर दें कि डीएलएड आपका ये 2 साल का है, 2 साल का डीएलएड है, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अगर इससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर अपडेट दूंगा। और अगर बीएड की काउंसलिंग प्रक्रिया भी देखनी है तो उसके लिए जैसे ही एग्जाम होने के बाद जैसे ही काउंसलिंग का प्रोसीजर आएगा मैं आपको आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।